हेलो फ्रेंड, मैं ललिता वर्मा और ललिताज किचन गार्डन में आपका स्वागत है। तो मैं आज अपने टेरेस में विद्या प्लांट लगाई हूँ ना, इसको मोरपंखी भी बोलते हैं, थुजा बोलते हैं, और हम लोग ज़्यादातर इसको विद्यापति ही बोलते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग करी हूँ ना, मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड। ये जो मेरा विद्यापति के पौधे आप जो देख रहे हो ना, तो 10 साल पहले मैं इसको ना मेरे घर के सामने आया था, मतलब पौधे नर्सरी वाले होंगे, बेचने आया था, तो उससे मैं 60 रुपए में इसको ली थी। तो 60 रुपए की है ये, और ये पूरे 10 साल हो गए हैं, और मैं इसकी तीसरी बार रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट ना काफ़ी बढ़ रहा है, मेरा बहुत बड़ा हो गया है, इसका लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है इनकी, और रूट बांट हो जाता है बहुत जल्दी इसमें। तो ऐसे करके ना मैं ये तीसरी बार है इसकी रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं हर एक 2-3 साल में ये हो जाता है। तो इसको मैं खींच के ऐसे एक पॉली बैग बिछा के रख ली हूँ, और इसको निकालूंगी अभी धीरे धीरे फ्रेंड, जैसे निकल जाए तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को कोई ऐसे किसी भी टूल से, गार्डनिंग टूल से हम इसको निकाल लेंगे। और विद्या प्लांट एक हार्डी प्लांट है, इनकी भी कोई ज़्यादा मांग नहीं रहती है कि ये चाहिए वो चाहिए खाद पानी, महीने में एक आध बार दे दो खाद, और पानी चाहिए होता है इनको पॉट के, मतलब जितने इंच का पॉट है उस हिसाब से आपको पानी। तो इसमें ना देखिए फ्रेंड, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें अभी रूट बांड हो चुकी है, तभी मुझे पता चला इसको ना, जब पानी देती थी ना तो पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पा रहा था, रूट बांड हो गए तो कहाँ नीचे जाएगा पानी, वो ऊपर ही में रहता और नीचे आ जाता था, फिर मुझको इसको रिपोर्ट करना पड़ा। तो सोचा चलो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ करके। तो ये धीरे धीरे मैं इसको निकाली हूँ फ्रेंड, और इसमें पूरी तरह से रूट बांट हो चुकी है, पूरी रूट ना ऊपर आ गई थी गमले की, मिट्टी बहुत कम थी, तो मैं इन सबको ना धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ, हल्की हल्की सी मिट्टी, ज़्यादा नहीं निकालूँगी, पूरी थोड़ी सी। तो अभी इसलिए मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इसको, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो रही है, तो इसको ना, इसकी किसी भी प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं ना, तो जड़ ना मिट्टी को आसानी से पकड़ लेती है, इसमें ज़्यादा प्लांट को मरने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो ऐसे करके मैं थोड़े थोड़े मिट्टी को निकाल ले रही हूँ, और ये मैं जहाँ तक देखी हूँ सभी गार्डनर के पास ये ना मोरपंखी का प्लांट रहता ही रहता है, क्योंकि ये विद्यापति का पौधा एक ऐसा पौधा है कि गार्डन की शोभा बढ़ाती है, ये इनके बिना ना गार्डन अधूरा लगता है। तो ये बिल्कुल एकदम छोटा सा था जब मैं इसको बाय करी थी तब, और ये पूरे 10 साल का हो गया है, ऐसी ऊपर से भी मैं इसको प्रून कर देती हूँ, और नीचे रूट बांड होते हैं तो थोड़े थोड़े रूट को भी काट छाट कर लेती हूँ, तो ऐसे करके ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और इसको ये सब नहीं करूँगी ना तो ये तो अभी तक मैं बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ये तो मैं कट करके रखती हूँ इधर ऊपर से ना, इतना मतलब थोड़ा मतलब 8-10 इंच तक बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको मैं काट रही हूँ। तो ऐसे करके करके ना जितने भी बड़े हैं ऊपर का उसको निकाल दूँगी, और अभी इसकी मैं कटिंग नहीं लगा रही हूँ, इनकी मतलब इनकी सीड्स भी बहुत बनते हैं इसमें फल, अभी नहीं लगा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, बहुत ज़्यादा लगता है इसमें भी फल, ऐसे मतलब ब्राउन कलर में रहता है, और बहुत ही खुशबूदार रहती है फल में, खुशबू रहती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे इस तरह ऊपर के जितने भी थे ना बड़े हो गए थे उसको मैं काट दी हूँ, और ये ज़्यादा इधर उधर फैले ना करके ना इसको एक रस्सी से बांध भी दूँगी। और देखिए फ्रेंड, ये एक और है, तो मैं अभी ना ये इसको जो 15 इंच वाली पॉट में थी ना उसको निकाल के, ये थोड़ा चौड़ा वाला है, ये बड़ा भी है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है,
जो ये वाली पॉट है इसकी, तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसको। और मिट्टी डाल के ना ऐसे किसी टूल से या लकड़ी से ऐसे मिट्टी को ना अंदर दबा दबा के डालेंगे फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो मिट्टी अंदर तक जाएगी और रूट को अच्छे से पकड़ के रखेगी। इससे हमारा पौधा एकदम स्टेबल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो हवा चलने में क्या है, हिलेंगे डुलेंगे ना तो जड़ को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे मिट्टी को जड़। तो मिट्टी को हमें एकदम से दबा दबा के डालना होगा फिर। तो ऐसे करके पूरी इसमें ना मिट्टी में मैं सेंड भी डाली हूँ और वर्मी कंपोस्ट है और किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी है ना वो सब थोड़े थोड़े करके इसमें मिक्स करी हूँ साइल को, और सेंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी हूँ क्योंकि वाटर ड्रेनेज अच्छे से हो जाए, पानी मत भरे साइल में, नहीं तो रूट्स को ख़राब कर देंगे करके। फिर से मैं ऐसे इसको ऊपर में जो मिट्टी डाली हूँ उसको भी दबा दूँगी, नहीं तो क्या अभी हवा भी चल रही है ना तो हिलेंगे डुलेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, ऐसे में पूरी पानी ना बाहर निकल जाएगी। तो इसको पूरे गमले को हम भर देंगे पहले पानी से। अभी सुंदर तो नहीं लग रही है ये, ऊपर का भी मैं काट के निकाल दी हूँ। तो ये हिले डुले ना करके ना इसको ऐसे एक रस्सी से भी बांध दूँगी, जब तक कि इनकी जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ ना ले तब तक इस रस्सी को भी खोलूँगी नहीं, ऐसी बंद ही रहने दूँगी। तो आज का मेरा ये विद्यापति का रिपोर्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करिएगा और आप वीडियो देख के लाइक भी करिएगा। मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।